अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहम तरीन खबर तनख्वाह अलाउंसेस और ग्रेड के हवाले से है, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं डिटेल की जानब। तनख्वाह अलाउंसेस और ग्रेड यकसा करने की तैयारियां कमेटी कायम कर दी गई है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अलाउंसेस और ग्रेड को यकसा करने के लिए सेक्ट्री फिनांस की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन को यूटिलिटी और प्रोफेशनल अलाउंस देने के लिए महकमा खजाना सिंध से सिफारशात तलब कर ली गई हैं। सिंध पुलिस एहलकारों के ग्रेड तनख्वाहें अलाउंसेस पंजाब पुलिस के बराबर करने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। मोतबर तरीन ज़राए का कहना है कि सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में वफाक और दीगर सूबों के मुकाबले में तजाद है, जिसे दूर करने के लिए हुकूमत सिंध ने महकमा खजाना सिंध को हदायत जारी कर दी हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हाउस रेक्विजिशन और दीगर अलाउंसेस की यकसा शरह मुकर्रर करने के लिए सिफारशात तैयार करके पेश की जाएँ। अलावा जी वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक इजलास में सिंध पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आएगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।